हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं मनोज, आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके बदल दे किस्मत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षित बेरोजगार हैं तो ये वीडियो आपके लायक है। हाँ तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो जरूर देखें। आज मैं एक जबरदस्त वीडियो बनाया हूँ, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 के तहत मिलेगा 3,000 रुपए पर लाभ। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2007 में बिहार सरकार द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत वैसे लोग जो बीपीएल परिवार श्रेणी में आते हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो सरकार के द्वारा मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे पहले 2014 तक इस योजना के तहत 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन इसकी राशि को सरकार द्वारा बढ़ा दी गई, जिसके बाद अब 3,000 रुपए दिया जाता है। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मृत्यु के बाद यह राशि उसके किसी रिश्तेदार या संबंधित को दी जाती है, जिससे कि उसके अंतिम संस्कार में कुछ आर्थिक सहायता मिले। यदि आप भी इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। और इस प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी लेटेस्ट न्यूज मिलता रहे। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत राज्य में बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत उन्हें 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी पंचायतों को 5 अनुदान के भुगतान के लिए अग्रिम रूप से 15,000 रुपए दी जाती है, ताकि जरूरत पड़ने पर पंचायत द्वारा योग्य परिवार को इसके तहत लाभ तुरंत मिले। इसके अलावा नगर निगम को 90,000 रुपए, नगर परिषद को 60,000 रुपए और नगर पंचायत को 30,000 रुपए अग्रिम रूप से मिल जाती है। यह राशि मृतक के परिवार वाले या रिश्तेदार को भी मिलती है। अंत्येष्टि योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें अपने किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे कि उनकी कुछ मदद हो पाए। इससे मृतक का अंतिम संस्कार सही तरीके से हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत मृतक परिवार को 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बिहार अंतिम संस्कार योजना 2023 इसके पात्रता। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 के योग्यता। इस योजना के तहत बिहार के स्थायी निवासी योग्य परिवार को ही लाभ प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मृतक परिवार बीपीएल श्रेणी से संबंध रखते हो, मृतक की आयु का कोई निर्धारण नहीं है। मृतक की आयु कितनी भी हो, लेकिन इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। कबीर अंत्येष्टि में आवेदन करने के लिए दस्तावेज: मृतक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट संबंधित विवरण, बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ: इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार के किसी भी सदस्य के मृत्यु के उपरांत उन्हें 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाउ टू अप्लाई बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023। बिहार कबीर अंतिम संस्कार अनुदान योजना 2023 इसके लिए आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम में स्वीकार किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी आगे बताई गई है। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, चलिए जानते हैं। इसके आवेदन हेतु बिहारी सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। इसके होम पेज पर रजिस्ट्रेशन परसेंट के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आप कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगी, जिसे सही सही पूरा भरना है एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं और सबमिट करना है, जिसके बाद आपके आवेदन की जांच होगी और इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ प्रदान की जाएगी। बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2023 ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको अपने पंचायत कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, नगर निगम कार्यालय में जाना होगा, जहां आपको आवेदन फॉर्म दी जाएगी एवं आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे, जिसके बाद मृतक संबंधित जांच के बाद इसकी की पुष्टि होगी और इसके तहत लाभ मिल पाएगा। नोट: यदि आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि यह एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप फ्री में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा कर रखें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।